तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार जल्दी से, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जितने भी भाई वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ 25% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल यार। तो बाकी जो 75% लोग हैं यार, वो भी सब्सक्राइब कर दो यार, देर किस बात की है। तो दोस्तों, अभी इस सर्वर में हम काफ़ी बेस पर रेड कर रहे हैं। तो अभी ये एक बेस मेरे टीममेट ने मुझे बताया था कि वहाँ पे एक बेस है हमारे बेस से थोड़ी दूर, उस पर चलते हैं, उस पर रेड करेंगे। उसमें काफ़ी सारा हमको सामान भी मिलेगा, लूट भी अच्छी खासी मिल सकती है हमें, क्योंकि वो बेस आयरन से अपग्रेड है। तो चलो, अभी हम आ चुके हैं इस बेस पर रेड करने के लिए और हमने रेड स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, जब हम इस बेस पर रेड करने आते तब मैं और मेरे एक ये टीममेट ही ऑनलाइन था, तो इसलिए मैंने मेरे बाकी टीममेट को बोला कि हम रेड करने जा रहे हैं तो तुम भी जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ। तो अभी मेरे बाकी टीममेट भी ऑनलाइन आ चुके हैं। वैसे यार, मुझे लग रहा है कि मतलब इतने सारे मेरे टीममेट हैं ना, तो मतलब इस बेस पे रेड हम जल्दी से ही कर देंगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर से स्टोन सब ग्रेड है और नीचे से ये आयरन सब ग्रेड है। तो अभी मेरा टीममेट मुझे बता रहा है कि मतलब ऊपर चल के शुरू करेंगे और ऊपर से रेड शुरू करेंगे, तो इसलिए वुड लेडर लगा कर और हम सबसे पहले ऊपर ही जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि मैं जितने हैंडमेड और सिंपल ऑयल बम लेकर आया हूँ, और इसी के साथ साथ जो मेरा एक टीममेट जो अभी रेड कर रहा है, इसके पास में भी बॉम है हैंडमेड और इसी के साथ साथ सिपोर। लेकिन यार, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो मेरा टीममेट है कितने बॉम लेकर आया है, तो इसीलिए अभी ये इशारा ये कर रहा है कि मतलब मैं इस पर बॉम लगाऊं ताकि हमें ऊपर जाने का रास्ता मिले, वुड लेडर लगाने का रास्ता मिले। तो चलो यार, मैं लगा देता हूँ इस पर सिंपल ऑयल बॉम। अब दोस्तों, जैसे कि हर सर्वर में हमें डर रहता था जब हम रेड करते थे, कोई बंदा बीच में ना आ जाए, या फिर जो जिस बेस पे हम रेड कर रहे हैं उस बेस में बंदा ऑनलाइन ना आ जाए और हमें फाइट लेनी पड़ जाए। क्योंकि इस बार डर इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास में चार चार टीममेट अलग से है, तो इसीलिए मतलब इतने सारे जब बंदे हमारे साथ में रहेंगे तो फिर उसके बाद डर किस बात का रहेगा। तो इसीलिए हम इस बार मतलब खुले खाले बिल्कुल आराम से रेड कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि इस बार हमने स्टील आर्मोर भी बना ली है। दोस्तों, इस बार मैं एक बात और बता दूं इस सर्वर में कि हमने पहली बार स्टील आर्मोर की रेसिपी बना के और स्टील आर्मोर इक्विप की है, तो इसीलिए मतलब यार हमने पहली बार देखा कि मतलब यार बहुत ज़्यादा हेल्थ हमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए अब मुझे ये बात समझ में आई कि जब हम कोई विदेशी बंदों से या फिर कोई प्रो प्लेयर से हम जब फाइट लेते थे तो हम ही नॉक हो जाते थे उसको मारने के चक्कर में, लेकिन वो नॉक नहीं होता था क्योंकि यार उसकी हेल्थ हमारे मुकाबले डबल रहती थी। चलो, तो दोस्तों फिलहाल अभी मेरे टीममेट ने वुड लेडर लगा दी है और अब बात आती है ऊपर चलने की, तो चलो ऊपर चलते हैं। वैसे मुझे पता है इस बंदे के पास में ऑटो कैनन तो ज़रूर होगी ऊपर, क्योंकि इसने जब बाहर भी लगा रखी ना, वैसे उसमें एमो नहीं थी, लेकिन ऊपर गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि ऊपर ज़रूर ऑटो कैनन और राइफल होगी। तो चलो, फिलहाल अब हम आ चुके हैं ऊपर और मेरे टीममेट तो काफ़ी आगे भी बढ़ चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे तो कोई ऑटो कैनन या राइफल नहीं है। तो चलो यार, अब इस डोर को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि डोर स्टोन सब ग्रेड है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें सिंपल ऑयल बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब गाइस, इस बार मैंने रेड करने से पहले मेरे सभी टीममेट को बोल दिया था कि जब मैं बॉम्ब लगाऊँ किसी भी डोर पर तब दूर हो जाना तुरंत ही, क्योंकि यार अगर तुम वहाँ पे रहोगे तो नॉक हो जाओगे। क्योंकि पिछले सर्वर में जब हम रेड कर रहे थे तो काफ़ी बार मेरे टीममेट नॉक हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा था कि पूरा ध्यान रखना और तरफ ध्यान मत रखना उस समय। तो दोस्तों, फिलहाल हमने ये डोर तो तोड़ दिया है, लेकिन अंदर आने के बाद में हमें स्टील फोल्डिंग लेडर भी दिखाई दे गया और नीचे जाने का रास्ता भी मिल गया है इस बेस में। लेकिन अब मुश्किल की बात यह है कि नीचे ऑटो कैनन लगी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे टीममेट ने ऑटो कैनन देखकर मुझे मैसेज किया कि क्या करें, रेड करें इस बेस पे या नहीं करें। तो मैंने उसे बोल दिया कि रेड करो यार, रेड करने ही आए हैं ऑटो कैनन ने, तो क्या हुआ, हम रेड करके ही जाएंगे इस बेस पर। अब यार, वैसे भी आप आपके भाई को तो जानते हो, जैसे कि एक बार मैंने पहले एक बेस पर रेड की थी और उसमें कितने सारे बॉम्ब बर्बाद किए थे मैंने, लेकिन लास्ट में बात आई थी कि मैंने उस बेस पर रेड कर ही दी थी, पूरी लूट ली थी उस बेस की। तो सभी ने मुझे ये कहा था उस बेस पे रेड करने के लिए कमेंट में कि मतलब टोटल लॉस है, मतलब इतने तो तुमने बॉम्ब लगा दिए और उसके बाद में ये लूट मिली तो कोई ज़्यादा लूट नहीं है। लेकिन यार, बात सिर्फ इतनी सीखती है, अगर आप उसको दूसरी तरह से सोचते ना, जिन लोगों को वो रेड गलत लगी, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था चाहे से हम नू भी सही है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता था कि अगर मुझे रेड करनी है तो उस बेस पर मैं रेड करके ही रहूँगा किसी भी हालत में, चाहे तो मुझे सुबह से शाम हो जाए या फिर मेरे कितने भी बॉम्ब लग जाए। तो यहाँ पे दोस्तों, मेरे टीममेट ने तो एक गलती कर दी कि मतलब जहाँ पे वो नीचे बॉम्ब लगा रहा था वहीं से सेलिंग टूट के और वो भी नीचे जा गिरा है और वहीं पे ऑटो कैनन से वो किल भी हो चुका है। अब दोस्तों, वहाँ पे मुझे पहले से ही लग रहा था कि वहाँ पे सेलिंग की हेल्थ कम होती जा रही थी, उससे मैं सोच रहा था कि मतलब यहाँ से दूर चले जाओ नहीं तो सेलिंग टूटेगी और हम भी नीचे जाके गिरेंगे और उसके बाद में ऑटो कैनन से नॉक जरूर होंगे।
तो चलो यार, अभी मेरा एक टीममेट जो रेड कर रहा था वो तो ऑफलाइन हो चुका है, क्योंकि वो किल हो चुका था। उसके बाद में वो दोबारा ऑनलाइन नहीं आया, तभी उसने गेम बंद कर दिया। शायद मुझे लगता है उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, इसी वजह से उसने गेम बंद कर दिया है। तो अभी बाकी बचा हूँ मैं, तो अब मुझे रेड करनी होगी। वैसे मेरे साथ में और बाकी टीममेट है अभी दो, लेकिन अभी रेड करने की बात है तो रेड तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हुआ था और फिर किल हुआ था जिस ऑटो कैनन से, अब हम वहीं पे आ चुके हैं, उसी वाली सीलिंग पे आ चुके हैं। क्योंकि यार ऊपर की सीलिंग तो टूट चुकी है, तो अभी नीचे जो ऑटो कैनन थी उसकी एमओ हमने ख़त्म कर दी है। इधर उधर दौड़े हैं मेरे टीममेट और उसी वजह से सारी ऑटो कैनन की एमओ ख़त्म हो गई है। तो अभी हमें यहाँ पर आयरन फोल्डिंग लेडर तोड़ना था, जो मैंने तोड़ दिया है फिलहाल। अब हमें नीचे जाना है, तो इसीलिए मैंने मेरे एक टीममेट को बोला है कि पहले तुम नीचे जाके देखो, क्योंकि तुमने यहाँ पे पास में अपना बैग लगाया है, क्योंकि मेरे टीममेट ने अपना बैग पास में लगा दिया था पहले ही। अब इसका फ़ायदा ये होगा, वो नीचे जाके ये देख लेगा कि मतलब नीचे कोई ऑटो कैनन या राइफल है या नहीं है, उससे फिर उसके बाद मैं भी नीचे आ जाऊँगा। तो अभी उसने मुझे बता दिया है कि नीचे कुछ भी नहीं है, तुम आराम से आ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऑटो कैनन भी लगी हुई है, क्योंकि हमारे ऊपर फायर हो रहा है। वैसे हमें डैमेज नहीं हो रहा, तो यार मुझे एक मिनट पता करना पड़ेगा कहाँ पे हो। तो यहाँ पे लेजर लाइट दिखाई दे रही है मुझे नीचे से आती हुई, तो मतलब कि नीचे ऑटो कैनन लगी हुई है। तो यार यहाँ पे मैंने एक डोर तोड़ा, तो यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता मिल गया है एक और। तो मतलब अभी तक इस बंदे की लूट और सामान नीचे भी है। तो यहाँ पे मुझे दो एनिमी भी दिखाई दिए हैं जो ऑफलाइन है, और इसी के साथ साथ मेरा टीममेट भी ऑफलाइन हो गया है एक। लेकिन कोई बात नहीं, वो वापस से ऑनलाइन आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन दोस्तों, हमने इस बेस की दो फ्लोर की सेलिंग तोड़ दी, लेकिन अभी तक हमें कैबिनेट दिखाई नहीं दी। अगर कैबिनेट हमें मिल जाती ना, तो फिर उसके बाद हम उस कैबिनेट को सबसे पहले तोड़ते और फिर इस पूरे बेस को तोड़ देते और सारी लूट आराम से ले लेते। लेकिन अभी तक हमें कैबिनेट नहीं मिली, तो बंदे ने मतलब कैबिनेट कहीं और जगह छुपा रखी है इसी बेस में। तो वो देखने में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कैबिनेट हमें अभी तक नहीं मिली यार। तो यहाँ पे मेरा टीममेट चाह रहा था कि मतलब ये लार्ज स्टोरेज जो है सारे के सारे तोड़ के इनकी लूट हम ले लेते हैं, लेकिन यार मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि यार इसकी कैबिनेट ढूंढो, ताकि कैबिनेट अगर मिल गई ना तो कैबिनेट को तोड़ेंगे और अपनी कैबिनेट लगा के फिर सारी लूट अपनी अपनी है, सब कुछ तोड़ के हम सारी लूट कलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मेरे टीममेट से मैंने पूछा मैसेज करके कि यार ये देखो कि मतलब कैबिनेट कहाँ पे है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि कैबिनेट कहाँ पे होगी। तो मेरे टीममेट ने मुझे बुलाया और बताया कि मतलब यार जहाँ पे तुमने डोर तोड़ा है ना, इसके नीचे जाके देखो, यहाँ पे एक और डोर दिखाई दे रहा है, तो उसी को तोड़ो, हो सकता है नीचे कैबिनेट हमें यूँ ही मिल जाए। लेकिन यार जिस बंदे का ये बेस था ना, मुझे लग रहा था कि मतलब बंदा बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है, इसी हिसाब से बेस बनाया है। तो मैं सोच रहा था कि मतलब नीचे भी हमें कैबिनेट यूँ तो जाने के बाद में दिखाई नहीं देगी, और भी नीचे जाके हमें बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा इस बेस में। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये डोर भी तोड़ दिया है और नीचे मुझे लार्ज स्टोरेज और दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि नीचे भी इस बंदे की लूट होगी, तो जैसा कि आप देख सकते हो नीचे लार्ज स्टोरेज और लूट भी भरी हुई होगी उन लार्ज स्टोरेज में। तो अभी मेरा टीममेट फिर से नीचे चला गया है, उसने मुझे बता दिया है कि नीचे कोई राइफल नहीं है, तुम आ सकते हो आराम से, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यार जब भी रेड करने जाओ, तो मतलब एक बंदे का तो स्लीपिंग बैग लगा ही देना चाहिए हमें, ताकि यार वो बार बार में ये चेक कर ले। जैसे कि अभी मेरा टीममेट चेक कर रहा है कि मतलब नीचे कोई राइफल नहीं है, तो अभी अगर ये किल भी हो जाता तो ये पास के पास में वापस जिंदा होकर यहाँ पर आ जाता। तो दोस्तों, अभी मैं जब नीचे वाले फ्लोर में आया तो यहाँ पे मुझे दो तीन डोर दिखाई दे रहे हैं, एक स्टील का और दो आयरन बार से अपग्रेड है। तो यार मेरा टीममेट भी ये बता नहीं पा रहा कि मतलब यार कहाँ पे कैबिनेट होगी। तो उसने मुझे यही कहा कि यार तीनों डोर तोड़ के देखना ही पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे कैबिनेट है, तो इतने बॉम्ब तो हमें थोड़े बहुत तो लगाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, जहाँ पे अभी हम दोनों टीममेट हैं ना, वहाँ पे जगह की बहुत कमी है, तो अगर हमने बॉम्ब लगाया ना तो फिर हम दोनों नोक हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेरे टीममेट को बोला कि एक वुड लेडर लगाओ ताकि मैं ऊपर चला जाऊँ, और फिर उसके बाद मैंने उसे बॉम्ब दे दिए कि तुम डोर पे बॉम्ब लगाओ, अगर तुम नोक हो गए तो तुम्हारा सिंपल गेट पास में ही है, तो तुम रिस्पॉन हो जाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक और हो गई है हमसे, कि मतलब मेरा एक टीममेट ऊपर था और एक नीचे था मेरे साथ में। तो मैं तो ऊपर आ गया था, और जो ऊपर मेरा टीममेट था वो ना जाने कब नीचे कूद गया जाके, और उसी समय मेरे एक टीममेट ने बॉम्ब लगा दिया था, तो इसीलिए मेरा एक टीममेट किल हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वापस से रिस्पॉन होगा, क्योंकि उसने भी अपना स्लीपिंग बैग पास में ही लगा रखा है इस घर के। अब सिर्फ मैंने ही स्लीपिंग बैग नहीं लगाया था, क्योंकि यार मेरे पास में नेटल की भी कमी थी, और दूसरी बात ये भी, जब दो टीममेट ने लगा दिए तो फिर मेरे लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो दोस्तों, फिलहाल अभी मेरे टीममेट ने नीचे डोर तोड़ दिया और मैं नीचे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे उसने बताया कि यार यहाँ पे नेटवर्क गेट लगी हुई है, तो इसके अंदर हो सकता है कैबिनेट हो। तो यहाँ पे ऑटो कैनन भी हमें दिखाई दे गई है, तो उससे पता चलता है कि यार ऑटो कैनन बंदे ने लगाई, तो मतलब कैबिनेट भी यहीं पे आसपास में कहीं पे होगी। तो अभी फिर से हमें काफ़ी टाइम लगेगा इस ऑटो कैनन की एमओ ख़त्म करने में।
क्योंकि यार मुझे तो अभी एक ही तरीका पता है ऑटो कैनन या राइफल की एमओ खत्म करने का, कि इधर उधर भागते रहो और अपनी हेल्थ बढ़ाते रहो, उससे ऑटो कैनन और राइफल की एमओ खत्म हो जाएगी। तो अभी मेरे पास में तो बैंडेज भी नहीं थी और ना ही कोई इंजेक्शन था, तो इसीलिए मैंने मेरे 3 मिनट से बैंडेज लिया ताकि मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लूँ। तो अभी मैं अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ पहले, उसके बाद में हम इस राइफल की एमओ खत्म करेंगे। तो अभी फिलहाल मेरा एक टीममेट इसी काम में लगा हुआ है, वो एमओ ही खत्म कर रहा है राइफल की। तो दोस्तों अभी मैंने मेरे दोनों टीममेट को बोल दिया है कि मतलब इधर उधर दौड़ते रहो ताकि इस राइफल की एमओ पूरी ख़त्म हो जाए, उसके बाद में हम आगे रेड करेंगे इस बेस पर। तो दोस्तों अभी इस बेस पर रेड करने में हम 3 बंदे थे और 3 बंदे कंटिन्यू हम इधर उधर दौड़ते रहे इस राइफल की एमओ ख़त्म करने के लिए। लेकिन हमें लगभग 30 मिनट हो चुकी थी लेकिन इसकी एमओ अभी तक तो ख़त्म नहीं हुई थी। तो उससे आप सोच सकते हो कि लगभग इसमें 1000 से तो ज़्यादा ही एमओ होगी, क्योंकि यार 100-200 एमओ अगर होती ना तो अभी तक ख़त्म भी हो जाती। तो दोस्तों जब मेरे टीममेट ने डोर पे बॉम्ब लगाया था ना, तब लार्ज स्टोरेज भी टूट गया था और उसमें जो मतलब लूट थी ना वो सारी की सारी अभी मुझे दिखाई दे रही है, तो वो मैं लूट लेता हूँ। यार यहाँ पे आयरन बार भी दिखाई दिया है मुझे, गन पाउडर भी और सल्फर पाउडर भी आप देख सकते हैं। तो बंदे ने मतलब यार लार्ज स्टोरेज की तो पूरी लाइन ही लगा रखी। जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, इस बेस में काफ़ी अच्छी लूट भी मिल सकती है हमें, और वही बात हो रही है मतलब हर जगह इसने लार्ज स्टोरेज लगाया है और सभी लार्ज स्टोरेज में लूट भरी हुई है। तो यार अभी जल्दी से जो ये राइफल है इसकी एमओ ख़त्म हो जाए ताकि हम रेड को आगे बढ़ा सकें। लेकिन मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि इसकी एमओ ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 30 मिनट तो हो गई हमें लेकिन अभी तक इसकी एमओ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे मैंने तो मेरे टीममेट को एक ही बात बोली कि यार दौड़ते रहो, जब तक इसकी एमओ ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही इस बेस के बीच में छोड़ के जा सकते हैं। अब यार अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है राइफल या ऑटो कैनन को बंद करने का तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो दोस्तों डोर कितनी देर पहले तोड़ा था मेरे टीममेट ने और यहाँ पे अभी तक मुझे लूट मिलती जा रही है धीरे धीरे। तो पता नहीं धीरे धीरे क्यों मिल रही है, एक साथ भी पहले मुझे मिल सकती थी लेकिन मतलब मेरे टीममेट बता रहे कि मतलब धीरे धीरे दिखाई दे रही है। अभी हम आगे तो जा नहीं पा रहे हैं लेकिन यहीं पर हमें जो लूट मिल रही है वो मैं कलेक्ट करता जा रहा हूँ। लेकिन यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम राइफल की सारी की सारी एमओ ख़त्म करके ही दम लेंगे और इस बेस पे भी रेड करके दिखाएंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बेस से जो मुझे गन पाउडर मिला है ना वो कितना है, तो मतलब हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो चुका है। लेकिन अभी मेरा टीममेट नॉक हो चुका है इस राइफल की एमओ ख़त्म करने के चक्कर में। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पहले रिवाइव दे देता हूँ, उसके बाद में फिर से ये एमओ ख़त्म करने में लग जाएगा। अब दोस्तों वैसे तो मैंने इस गेम में मतलब काफ़ी सारे बंदों के साथ मैंने खेल के देखा है, लेकिन यार सिर्फ काफ़ी लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं कि हम इतने घंटे खेलते हैं, हम इतने घंटे खेलते हैं, हम बहुत बड़े प्लेयर हैं फार्मिंग के, हम इतने घंटे फार्मिंग करते हैं, हम इतनी आयरन एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन ये सब कहने की बातें होती है, बातें कोई भी कर सकता है। जब हम रियल में खेलते हैं ना तब बंदे का पता चलता है कि वो कितना अच्छा खेलता है। क्योंकि यार अब मैंने खेल के देख लिया है काफ़ी बंदों के साथ में, काफ़ी टीममेट्स के साथ में, तो यार मुझे पता चल चुका है कि मतलब काफ़ी लोग तो सिर्फ बातें ही बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ और काफ़ी टाइम खेलता हूँ गेम को, लेकिन जब वो असलियत में हमारे साथ में खेलने आता है ना तो जो बंदा 8 घंटे की बात करता है या 5 घंटे की बात करता है पूरे दिन में ऑनलाइन आने की, वही बंदा 15 मिनट या 20 मिनट बाद में आपको ऑफलाइन दिखाई देगा। अब दोस्तों आप मेरी बात समझ सकते हो कि जब यार मेरा बेस इतना बड़ा है तो उसको अपग्रेड करने में हमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा और इसी के साथ साथ हमें कितनी आयरन बार और स्टोन चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी मतलब बंदे ऐसे होते हैं मतलब खेलने तो आ जाते हैं, उनको बात क्या रहती है, उनको खेलना तो साथ में रहता है लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम खेलेंगे तो सही तुम्हारे साथ में लेकिन हम करेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, वो बाकी तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम करो। अब अभी तो फिलहाल मुझे ठीक ठाक टीम मिल चुकी है जो मतलब लिमिटेड ऑनलाइन आ रही है, लेकिन मुझसे तो कम ही ऑनलाइन आते हैं मेरे टीम वाले, ये तो मैं आपको साफ साफ बता दूं। अब दोस्तों अगर आप पूछोगे कि मेरे 4 टीममेट उनमें सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, तो मैं यही कहूँगा मतलब यार चारों ही काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बस दिक्कत सिर्फ इतनी सी कि ये कम ऑनलाइन आ रहे हैं। अगर ज़्यादा ऑनलाइन आते ना तो फिर हमारा बेस है ना चाइनीज प्लेयर के बेस को भी पीछे छोड़ देता, सही बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप सभी को यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे साथ में गेम खेलना ही है तो फिर उसके बाद यार मतलब जो बात हो ना वही बताया करो। यार काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि मतलब दूसरे सर्वर में भी खेल रहे हैं और मुझे बोल देते हैं कि हाँ हम खेलेंगे साथ में। भाई आप उधर खेलोगे या इधर खेलोगे, अगर मेरे साथ में खेलोगे तो फिर उसके बाद आप इधर क्या कर पाओगे या फिर उधर क्या कर पाओगे, दोनों तरफ ध्यान रहने से हम कभी भी एक एक जगह अच्छा नहीं खेल सकते हैं, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। तो इसीलिए जिसको भी खेलना है ना, पहली बात मैं बता कि लगभग मुझे 7 से 8 घंटे का ऑनलाइन टाइम चाहिए, तभी मैं खिला सकता हूँ यार साथ में। अब दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि हम रेड करने आए हुए हैं और अभी मेरे टीममेट में से कुछ ही टीममेट ऑनलाइन है, पूरे ऑनलाइन नहीं है। तो यार उस हिसाब देख लो कि मतलब यार
कम ही खेलते हैं मेरे टीममेट भी। अब यार किसी बंदे को अगर मेरे साथ में खेलना है और वो 8 घंटे ऑनलाइन नहीं आ सकता तो मैं वो बात समझ सकता हूँ। कम आ जाओ, 3 घंटे तो कम से कम आ जाओ यार, इतना तो कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर यार 2 घंटे 1 घंटे में आप क्या कर पाओगे, ये तो मैं खुद ही समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, आप किसी भी सर्वर में नहीं होने चाहिए पहले से, मतलब हमारे कौन? सर्वर में आओ तो बस वही सर्वर खेलो जब भी ऑनलाइन आओ। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन दिखाई दो और फिर बोलो कि भाई मैं दूसरे सर्वर में था, मेरे फ्रेंड ने बुलाया था, ये वो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए यार। जब आप खेलने मेरे साथ में आ रहा हो तो मेरे साथ में खेलना पड़ेगा यार, ये सीधी सी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आ रहे। तो चलो यार, अभी फिलहाल हमने राइफल की एमओ तो खत्म कर दी है, लेकिन अभी तक मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रूम में इसके कैबिनेट होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो लूट इस बेस में मिली है ना मुझे, वो सारी की सारी मैंने कलेक्ट कर ली है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने रेड तो कर ली, लेकिन अभी हम हमारे सीक्रेट बेस पे आए हुए हैं जो हमने इस घर के पास में बना लिया है। तो हम हमारा थोड़ा बैग खाली कर रहे थे यहाँ पे अपना सामान रख कर। अब मैं मेरे टीममेट से पूछा कि मतलब अब आगे किस रूम पर रेड करनी चाहिए, तो उसने मुझे कहा कि यार पहले तो मोटरसाइकिल निकाल लो ताकि यार मोटरसाइकिल हमारे काम आ जाए। लेकिन दोस्तों, अगर मोटरसाइकिल के इस साइड हम बॉम्ब लगाएंगे ना, तो मुझे मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है डोर पर, तो अगर डोर पे बॉम्ब लगाएंगे ना तो फिर उसके बाद मोटरसाइकिल भी डैमेज होगी। तो इसलिए मैंने मेरे टीममेट को बॉम्ब दिया और मैंने कहा है कि ऊपर की साइड बॉम्ब लगाना। तो मेरे टीममेट ने भी कहा है कि हाँ यार ऊपर की साइड अगर लगाएंगे ना तो फिर मोटरसाइकिल डैमेज नहीं होगी, क्योंकि यार डोर के बीच में बॉम्ब लगाओ या फिर ऊपर बॉम्ब लगाओ बात सेम है, हमें सिर्फ डोर तोड़ना है। अगर नीचे हम बॉम्ब लगाएंगे ना तो फिर उसके बाद मोटरसाइकिल को भी डैमेज हो जाएगा। तो चलो यार, फिलहाल हमें मोटरसाइकिल तो मिल चुकी है इस बेस की, तो चलो यार अभी मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं। और दूसरी बात, हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि हमें घर जाना है, क्योंकि हमारे पास में अब ज़्यादा बॉम्ब नहीं रहे हैं, तो हमें पहले घर से बॉम्ब लाने पड़ेंगे। और एक बात और है कि जो हमने सीक्रेट बेस में हमारा सामान रखा है, जो भी लूट अभी इस घर से हमें मिल चुकी है, वो सारी की सारी लूट भी हम हमारे मेन बेस में ले जाकर रखना चाहते थे। तो इसीलिए अभी हम मोटरसाइकिल लेकर आ चुके हैं हमारे मेन बेस पर। तो चलो यार, चलते हैं फटाफट से हमारे मेन बेस पर। तो दोस्तों, अभी इस बेस से हमें जितनी भी लूट मिली थी ना, वो हमने सारी की सारी हमारे मेन बेस में रख दी और हम वापस से इस बेस पे रेड करने के लिए आ चुके हैं। तो फिलहाल अभी मैं बॉम्ब लाना तो भूल गया वहाँ से, तो अभी मेरे पास में सिंपल ऑयल बॉम्ब है और थोड़े बहुत हैंडमेड भी थे, तो वो हैंडमेड तो मैंने लगा दिए इस डोर पर, लेकिन ये तब तक नहीं टूटा था। तो इसलिए मेरे टीममेट ने बोला कि यार घर चलेंगे, उससे अच्छा यही है कि अभी इस पर हम सिंपल ऑयल बॉम्ब लगा के इसे तोड़ देते हैं। तो कुल मिला के अभी मैंने सिंपल ऑयल बॉम्ब से इस स्टील के डोर को भी तोड़ दिया है। तो गाइस, डोर तोड़ने के बाद में मुझे अंदर एक और ऑटो कैनन दिखाई दे रही है, लेकिन यार अब ये जो स्टील का डोर एक और दिखाई दे रहा है ना, ये तो शायद बाहर जाने का है। मेरे हिसाब से मैंने टीममेट से बात की तो उसने कहा हाँ यार ये तो बाहर जाने का डोर है, तो इसीलिए हमें इस ऑटो कैनन की एमो खत्म करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि यार उस तरफ हमें कोई लूट मिलेगी ही नहीं, तो फिर उसके बाद उस ऑटो कैनन की हमें एमो खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें जहाँ से कैबिनेट मिलेगी बस हमें तो उसी हिस्से पर अब ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादातर सारे लूट तो हमें मिल चुकी है। बाकी हम इस बेस को तोड़ के ले लेंगे, क्योंकि हमें कैबिनेट जब मिल जाएगी तो सारी लूट वैसे हमारी हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी मैंने मेरे टीममेट को बोला कि यार हमारे पास में बॉम्ब की कमी है, तो फटाफट से चलो पहले हम हमारे मेन बेस पे चल के बॉम्ब लेकर आते हैं हैंडमेड, उसके बाद हम इस बेस पे आगे रेड करेंगे और इस बार पूरी फुल एंड फाइनल रेड कर देंगे इस बेस पर। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम हमारे मेन बेस पे आ चुके हैं और मेरा टीममेट अपने घर में से बॉम्ब लेकर आ रहा है ताकि हम फटाफट से वहाँ पे जाए और उस बेस पे रेड करें। तो यार अभी हमारी मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन यार इतनी दूर आने में 2-3 चक्कर करने में, मतलब यार मोटरसाइकिल की हेल्थ देख लो कि कितनी कम हो चुकी है, क्योंकि यार हमने हमारे मेन बेस से और उस बेस तक के चक्कर एक ही बार नहीं किए या फिर 2 बार नहीं किए, 4-5 बार किए हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने मेरे टीममेट से पूछा कि यार इसी रूम को तोड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि इसी के अंदर कैबिनेट होगी, तो उसने भी कहा हाँ यार इसी को तोड़ दो, शायद हो सकता है इसके अंदर कैबिनेट हमें मिल जाए और हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पे मैंने C4 चिपका दिए इस पे इस बार, क्योंकि यार बहुत देर हो चुकी थी इस बेस पे रेड करते हुए, तो वैसे तो ये आयरन की वाल थी, लेकिन मैंने सोचा यार अब सीधा C4 ही चिपका दो इस पर। तो यहाँ पे अंदर हमें कैबिनेट मिल चुकी है, तो चलो अब हमारी बात बन जाएगी पूरी तरह से और इस पूरे घर की सारी लूट हम लेंगे। अब यार मेरा टीममेट जाके वहीं पे खड़ा हो गया, यार मैं इसको फटाफट से पीछे लेना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी कैबिनेट पे 2 बॉम्ब लगाऊँ और उसके बाद मैं इस कैबिनेट को तोड़ के हमारी कैबिनेट लगा के और फिर इस घर को तोड़ना शुरू करूँ। तो चलो यार, अभी फ़िलहाल मैंने कैबिनेट तोड़ दिए, अब बात आती है हमें हमारी कैबिनेट लगानी है, लेकिन उससे पहले आप लूट देख लो यार कैबिनेट में कितनी लूट भरी हुई है। आयरन बार भी काफ़ी अच्छा खासा मिल चुका है हमें। तो चलो ये सारी की सारी हम दोनों ने कलेक्ट कर ली है लूट जो भी मिली, अब बाकी काम हमें ये करना है कि हमें कैबिनेट लगानी है जल्दी से। तो दोस्तों, हम इस बेस को अपना नहीं बनाएंगे, हम सीधा क्या करेंगे इस बेस में कैबिनेट लगा के और फिर उसके बाद इस पूरे बेस को तोड़ेंगे और इसमें फिर जितनी भी लूट मिलेगी वो लूट कलेक्ट करेंगे और फिर हम हमारे घर लेकर जाएंगे।
तो दोस्तों अभी हमारी कैबिनेट तैयार होने में कुछ सेकंड बाकी है, तो चलो अभी फटाफट से कैबिनेट तैयार हो जाए, उसके बाद इस पूरे घर को तोड़ेंगे हर तरफ से और फिर उसके बाद सारे लूट लेंगे। इसीलिए मैंने लार्ज स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं तोड़े, क्योंकि फालतू में मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा हम बेसली तोड़ेंगे इस बेस की। तो दोस्तों अभी मैंने फ़िलहाल कैबिनेट लगा दिए और अब शुरू करते हैं इस बेस को तोड़ना। तो चलो यार पहले लार्ज स्टोरेज तोड़ता हूँ मैं। तो मेरा टीममेट यहाँ पे जो भी लूट मिलेगी ना वो कलेक्ट कर लेगा, वैसे मैं भी कलेक्ट तो करूँगा यार, पहले देख लेता हूँ मैं वो क्या पता किधर है, अभी उसका ध्यान नहीं है शायद। तो चलो अभी वो मेरे पास में आ चुका है, लेकिन अभी इसमें जो गन है ना और एमओ है वो तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो अब कुछ नहीं रहा है यार, ये जूस वूस ही रह गए हैं, इन्हें तो छोड़ो। चलो ये कोई काम का नहीं है, खाने पीने का सामान है। ओके तो अभी इस बंदे को तो मैं पहले नॉक कर देता हूँ। अब देखना बंदा जैसे किल होगा ना कैसा डांस करेगा। ओ हो गया डांस। तो चलो यार अभी फटाफट से इस घर को तोड़ना शुरू करते हैं। यार मेरे पास में अभी क्या है, पूरा बैग फुल हो चुका है, तो वो मैं बाद में खाली करूँगा। हमारा एक सीक्रेट बेस भी यहाँ पे बना हुआ है, वहीं पे रख दूँगा सामान अगर और भी मुझे यहाँ पे लूट मिली तो। यार इस बंदे ने मतलब यार कितना टाइम लगाया होगा इसको अपग्रेड करने में, कितना बनाने में, लेकिन देख लो कि अब कितनी स्पीड से टूटेगा ये पूरा का पूरा बेस। तो यार इसके ये वुड स्पाइस भी तोड़ देता हूँ थोड़े बहुत मैं, क्योंकि यार मैं ही चढ़ जाऊँगा इन पे फालतू में तो मेरी हेल्थ कम हो जाएगी। तो चलो इधर से तोड़ते हैं। अब मेरी मोटरसाइकिल में धुआं भी निकल रही है थोड़ी बहुत, बेचारी की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। अब यार हमें जल्दबाजी के चक्कर में ये नहीं करना कि हमारी कैबिनेट ही तोड़ दे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि दोबारा वापस से हमें कैबिनेट लगानी होगी। तो यहाँ पे क्या लूटे, ओके तो यहाँ पे तो हमें ये आर्मोर मिल रही है, टोपी है, और यहाँ पे हमने ऑटो कैनन तोड़ दी। ओके चलो तो यार पूरा तोड़ता हुआ जाता हूँ। तो वो एक ऑटो कैनन जो चालू थी ना उसको भी बंद कर दिया मैंने, मतलब नीचे से बेसल तोड़ दी, तो बेचारी वो वैसे ही बंद हो गई। चलो तो यार अभी इस बेस का पूरा नामो निशान साफ हो चुका है, अब लास्ट में बची है हमारी कैबिनेट और एक बेसल, तो चलो इसको भी मैंने तोड़ दिया है। अब हम वो लूट लेंगे जो इस बेस में बाकी रह गई थी। तो चलो यार देख लेता हूँ एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ अगर कोई ज़रूरी लूट रह गई हो हमारे लिए। तो दोस्तों ऊपर जितने भी लार्ज स्टोरेज रखे थे ना वो भी सब नीचे आ गिरे हैं टूट के, और नीचे भी जितने भी लार्ज स्टोरेज थे वो भी सब टूट चुके हैं, मतलब अब बेस पूरा साफ हो चुका है, यहाँ से कुछ भी नहीं रहा है। तो जो भी लूट थी ना वो हमने कलेक्ट कर ली है, ज़रूरी जितनी भी थी। अब जो बाकी रह गई है वो ऐसे फालतू के सामान है, तो उन्हें हमें लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों वैसे यहाँ पे रही अब सिर्फ आर्मोर ही है, और आर्मोर के लिए हमारे पास में तीन तीन क्लोसेट फुल है बिल्कुल। ओके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो पे 200 लाइक का एम रखा है मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि काफ़ी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।